नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं भरमा बैगन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। तो हमने आधा किलो बैगन को धोकर के अच्छे से रख लिया है। 3 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है। लाल मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज्यादा, जितना आपको तीखा पसंद हो उसके हिसाब से, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो हम इस तरीके से बैगन को उठाएंगे और इसे बीच से चीरा लगा देंगे इस तरीके से, और चेक कर लेंगे कि कहीं कीड़े तो नहीं है ऐसे, और इनको इस तरीके से रखते जाएंगे ये। और इसी तरीके से हम सारे बैगन को तैयार कर लेंगे काट करके। तो ये देखिए, हमने सारे बैगन को इस तरीके से कट करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम रख देंगे साइड में और करेंगे मसाले की तैयारी। तो ये इस तरीके से एक बर्तन ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले। तो हम पहले डाल देंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और ये अमचूर पाउडर, और सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले हमारे अच्छी तरीके से मिल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो हम सरसों का तेल यूज कर रहे हैं। कभी भी हम जब भरमा बैगन या भरमा करेले बनाते हैं तो सरसों का तेल ही यूज करते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है। आप जो तेल खाते हैं तो वो तेल डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सरसों का ही तेल डालें। इतना ही हमें गीला करना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है, इतना ही तेल इसमें मिक्स करना है। ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो गया है। तो इस तरीके से एक एक बैगन उठाएंगे और जो हमने ये मसाला तैयार किया है तो उसे भर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, एक बैगन भर करके हमारा तैयार हो गया है। इसे हाथों से ही भरना पड़ेगा, चम्मच से नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम भर देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से सारे बैगन को भर करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे बैगन हमने भर करके तैयार कर लिए हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने पैन रख दिया है और तेल डाल दिया है इसमें, और अभी हम गैस को नहीं जलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे एक एक बैगन जो हमने भर करके रखा है। तो इस तरीके से हम रख देंगे सबको। देखिए, हमारे बैगन इसमें रख गए हैं, 2 बैगन हमारे बच गए हैं जो कि इसमें नहीं बने हैं, तो हम उसको बाद में बना लेंगे। और अब हम गैस को ऑन कर देंगे, थोड़ा सा तेज फ्लेम में करें ताकि थोड़ा सा तेल हमारा गर्म हो जाए। इसके बाद गैस को मंदी करेंगे। अभी हम गैस को तेज करें हैं ताकि ये जो हमारा तेल है थोड़ा सा गर्म हो जाए। इसके बाद गैस को हम मंदी कर देंगे और हम इसे ढक्कन से ढक देंगे इस तरीके से। थोड़ी देर हो गई है, तेल हमारा गर्म हो गया है, ये देखिए आवाज़ भी आ रही है। तो अब हम गैस इसको ढक देंगे और गैस को मंदी कर देंगे। थोड़ी देर हो गई है, अब हम इसे खोल करके चेक कर लेंगे। तो अभी ये पके नहीं है, इनको हम पलट देंगे इस तरीके से, सावधानी से तरीके से पलट देंगे सारे बैगन को। तो ये देखिए, एक बार हमने इनको पलट दिया है और इसी तरह से 1-2 बार और पलटेंगे और इसे ढक करके रख देंगे। और गैस को बिल्कुल मंदी ही रखेंगे, तेज नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएंगे बैगन। इससे पहले मैंने 2 बार और खोल करके और इसको पलट करके अच्छे से पकाया है। तो चलिए फिर से खोल करके हम इसे अच्छे से चला लेते हैं। तो ये देखिए, पूरी तरीके से हमारी ये भरमा बैगन जो है पक करके तैयार हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारा बहुत ही टेस्टी भरमा बैगन बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिलें।